हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन का चीला। ये बहुत ही टेस्टी हेल्दी है और आप इसको ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में कभी भी खा सकते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो चलो फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। एक कटोरी मैंने बेसन लिया है, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अजवाइन और कुछ मैंने पुदीने की पत्ती, धनिए की पत्तियाँ, प्याज, लहसुन और अदरक को बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है, आधा चम्मच नमक और पानी। अब झटपट से बनाते हैं। सबसे पहले बेसन को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, फिर डालेंगे प्याज, धनिया, पुदीना जो बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है, अजवाइन से चीले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और डाइजेशन भी अच्छा होता है अजवाइन से, तो अजवाइन आप जरूर डालिए। गरम मसाला, नमक और अब हम इसको हाथ से मिक्स करती हूँ कि थोड़ा आराम से अच्छे से मिक्स होगा। पानी, अभी मैंने आधा कटोरी पानी डाला है, आप नाप कर डालिएगा। बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी ये गाढ़ा घोल है, इससे हमारा चीला अच्छा नहीं बनेगा। एक बार पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे बेसन और सभी चीज़ें मिक्स हो जाएं। फिर आधा कटोरी पानी दोबारा से डालेंगे, मैं ग्लास से डाल रही हूँ, आप एक कटोरी बेसन में एक कटोरी पानी। ये बिल्कुल एकदम अच्छे से हमारा घोल रेडी हो गया है, बनाना शुरू करते हैं चीला। हम अपने तवे को चेक कर लेते हैं, तवा हमारा एकदम से गर्म है, इसके लिए मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है, इसके ऊपर चीला बहुत अच्छे से बनता है। और अब मैं इसके ऊपर पहले एक बड़ा चमचा और एक और दो चमचे साथ में मैंने इसके ऊपर डाले हैं और अब धीरे धीरे इसको हम फैलाएंगे। बहुत हल्के हाथ से फैलाना है, अगर आप बहुत तेज हाथ से इसको फैलाते हैं तो चीला आपका टूट जाएगा। अब चीले के ऊपर डालेंगे देसी घी, हल्का हल्का सा, ये आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम और ज्यादा कर सकते हैं। जब एक तरफ से चीला हमारा सिक जाएगा फिर इसको हम पलटेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है। थोड़ा थोड़ा सिकना शुरू हो जाएगा तब हम इसको पलटेंगे। अब हम चीले को पलटते हैं, थोड़ा ये सीख गया है। पहले चारों तरफ से हल्के हाथ से एक बार चीले को उठाएंगे और धीरे से इसको पलटेंगे। बिल्कुल एकदम परफेक्ट चीला हमारा बन रहा है। एक चीले को बनने के लिए कम से कम 5 से 6 मिनट हमारे लगते हैं और अच्छे से जब ये नीचे से सिक जाता है तो आप बिल्कुल आराम से चारों तरफ घुमा सकते हैं। और अब एक बार फिर पलटेंगे, दूसरी साइड से भी ये सिक गया है। चीला हमारा सिक गया है, अब गर्मा गर्म सर्व करते हैं। देखो फ्रेंड, चीला बहुत ही अच्छे से बना है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।